चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज आपके सामने देखिए ग्रिल घोटाले को लेकर के दीपक चौधरी जो कि पार्षद हैं उनके द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है प्रेस वार्ता का, और जो ग्रिल घोटाला कितने का हुआ और कैसे हुआ ये सारी चीज़ हम इनसे जानेंगे। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं देखिए, आज एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सरकार की मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। बात कर लेते हैं पार्षद जी से, आखिर क्या कहना है इनका घोटाले को लेकर। जुलाई 2020 में हमने नगर निगम उस समय के तत्कालीन कमिश्नर यश गर्ग जी से एक शिकायत दी थी, मैंने और मेरे कुछ पार्षद साथियों ने, जिसके अंदर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर कुछ कामों को लेके बिना काम के भुगतान की शिकायतें थी। उस के अंदर सरकार ने कार्रवाई करते हुए बल्लभगढ़ में आज हम तिगांव रोड पे खड़े हैं। जो ग्रिल घोटाला आपने अखबारों के माध्यम से भी पढ़ा, पिछले 3-4 दिन से लगातार आ रहा है, तो धन्यवाद के लिए हम आए हैं कि सरकार ने उस पर कार्रवाई करी और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। उसमें लगभग 12-13 अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं नगर निगम के, और जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ों पर सरकार ने प्रहार किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का और उन सभी अधिकारियों का जिनके सहयोग से इसमें कार्रवाई हुई। विशेष रूप से उस समय के कमिश्नर यश गर्ग जी का, यशपाल यादव जी का, बल्लभगढ़ की जनता का, मीडिया का, अपने पार्षद साथियों का, उस समय के चीफ इंजीनियर ठाकुरलाल शर्मा जी का जो उस समय जांच कमेटी के अध्यक्ष थे, इन सभी लोगों का विशेष सहयोग रहा इस जांच के अंदर। और सबके सामने है कि निश्चित रूप से जो हमने मांग उठाई वो सही पाई गई और जो हमारी शिकायत थी वो सही पाई गई। उसको देखते हुए सरकार की तरफ से आदेश हुआ है कि जो तिगांव रोड के ऊपर जो 27 लाख रुपए की जो ग्रिल थी उसके एवज में 5 करोड़ 80 लाख रुपए का भुगतान किया गया, और आप सब लोगों के सामने है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं सबको सरकार जेल पहुंचाने का काम करेगी। पार्षद जी, 2020 का ये मामला है और आज 2023 चल रहा है, 3 साल हो गए, 3 साल में जांच अब आई है कि अब जांच होगी और इसमें जो है आगे देखा जाएगा कि क्या होगा, बहुत स्लो नहीं है या चुनाव सर पर है? देखिए, जब हम लोगों ने सबसे पहले जांच की मांग की तो उस समय के जो कमिश्नर थे यश गर्ग जी, उन्होंने तुरंत हमारी जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट किया और उस पर तुरंत कार्रवाई करी। लेकिन उसमें कुछ समय बाद जो नगर निगम का रिकॉर्ड रूम था उसमें आग लग गई, आग लगने की वजह से कुछ रिकॉर्ड उसमें से गायब हो गया, कुछ चोरी भी हो गया, कुछ में आग लग गई, जिसकी वजह से ये जांच इतनी लंबी चली। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, और आज आप देख सकते हैं कि सरकार ने आदेश दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और जो भी चीज़ें हैं वो सबके सामने आ गई है, और आप देखेंगे कि आज और कल में इसमें FIR दर्ज हो जाएगी और जो भी अधिकारी हैं सरकार उनको जेल भेजने का काम करेगी। अच्छा सर, मुख्य कारण क्या है, प्रेस वार्ता का कारण क्या था, आपने इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में बताया, ये आपने मीडिया के माध्यम से सभी ने पढ़ा देखा, लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, बल्लभगढ़ की जो जनता है, जो भोली भाली जनता है, जो इसके खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स भरती है, वो टैक्स इस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है, लेकिन उस डेवलपमेंट के पैसे का किस तरीके से अधिकारी और कुछ राजनीतिक लोग मिलकर दुरुपयोग करते हैं, ये सब चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए, ये बात हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए बात ये प्रेस वार्ता आज यहाँ पर रखी गई है, और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता से कि इस बार बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो भी चौकीदार सुने, चौकीदार चुनते समय सावधानी बरतें, क्योंकि चौकीदार की लापरवाही से ये जो घोटाला है, ये जितनी बड़ी डकैती इस बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हुई है। अगर वो लोग ईमानदार होते तो निश्चित रूप से उसकी कंप्लेंट देते और कहीं ना कहीं उसे विधानसभा में उठाने का काम करते और उस पर कार्रवाई कराते। अर्थात जी, आप सरकार में भी साझेदार हैं जी, घोटाले होते हैं, सरकारें जो है अब ये चीजें आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, तो किस तरह से मतलब ये आप मैनेज कर रहे हैं इसको? आपको सरकार को डिफेंड भी करना है, अधिकारियों को भी पकड़वाना है, और 3 साल का मामला हो गया तो पैसे कैसे रिकवर होंगे? देखिए, 2017 जनवरी 2017 में लोगों ने मुझे नगर निगम वार्ड 37 से जिम्मेदारी दी और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम किया, वार्ड क्षेत्र में जो विकास कार्य थे उनको कराने का काम किया, और जो भी धांधली हमारे इस कार्यकाल में जो भी हमारे सामने आई,
चाहे वो किसी के द्वारा भी की गई, हमने लिखित रूप से उसकी शिकायत दी और सरकार ने बड़ी ईमानदारी से निष्पक्षता से कार्रवाई करते हुए, उन लोगों पर समय जरूर लगा लेकिन उस पर कार्रवाई करी। और हमारी सरकार, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी। कोई भी अधिकारी या नेता है उसको जेल भेजने का सरकार काम करेगी। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है। क्या अच्छा नहीं होता कि ठेकेदार की पेमेंट रोक दी होती है, जांच के बाद पेमेंट होती है? ये सारी अनियमितताएं हुई हैं इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं, इसलिए शिकायत देनी पड़ी और इसलिए कार्रवाई हो रही है, इसलिए FIR हो रही है। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद जो अधिकारी हैं सारे गिरफ्तार होंगे और जेल जाने का काम होगा। आपके क्षेत्र में पड़ता है जी, और आपने ग्रिल पर पेंट भी नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने कुछ अधिकारियों से बात की? देखिए ये जो ग्रिल है आप देख सकते हैं अपने कैमरे की भी नज़र से कि 27 लाख रुपए का बिल इस ग्रिल का बना। बार बार शिकायत करने के बाद इन चीज़ों पे कार्रवाई हुई और जो तत्कालीन कमिश्नर थे उस समय के, हमने उनसे हमारी शिकायत उन्होंने ली और आप देख सकते हैं कि लगातार जो हमारे बल्लभगढ़ की जनता का जो सहयोग रहा, पार्षद साथियों का सहयोग रहा, उन सभी के सहयोग से आज हमें इसमें कामयाबी मिली है। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, घोटाला 200 करोड़ के अंदर है, अलग है ये जो 200 करोड़ का घोटाला है उसी का हिस्सा है। और आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से आजकल आप TV में देखते हैं कि एक वेब सीरीज चलती है उसके एपिसोड आते हैं, ये पहला एपिसोड है, इसके बाद अगला एपिसोड भी हम आप लोगों के सामने आएंगे जैसे जैसे सरकार कार्रवाई करती रहेगी और चीज़ों को भी मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। हम शमशान घाट के सामने खड़े हैं, यहाँ पर भी आपने तोड़फोड़ कराई थी गलत चीज़ों को लेकर के, इस पर क्या रहा? इसमें भी कोरोना है, शमशान घाट देखिए हम एक ऐसी पवित्र जगह खड़े हैं जहाँ एक न एक दिन हर व्यक्ति को आना है और एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी के कर्मों का भी हिसाब होता है। कोरोना के समय में लगभग 70 लाख रुपये की लागत से इसके अंदर एक हॉल बनाया जा रहा था और जो कि बिजली और CNG से चल के, जिसमें क्रिमिनेशन का काम जो पूरा किया जाना था, लेकिन जब उसका निर्माण किया जा रहा था तो हमने देखा उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा था। हमने उसकी शिकायत करी और उस समय के कमिश्नर और चीफ इंजीनियर ठाकुरलाल शर्मा जी और यशगढ़ कमिश्नर साहब ने तुरंत उस पर कार्रवाई करी और इसको डेमोलिश कर दिया। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, देखिए पैसा आपका कहीं दिक्कत हो रही है और आप ये देखें कि वो स्वयं ग्रिल के पास खड़े होकर के, आपको विजुअल आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि ग्रिल के सामने खड़े होकर के वो दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पर जो ये है ये मामला। हाँ, और ये सीधा वहाँ से मरकर तिगांव रोड से और अम्बेडकर चौक के बीच ऐसे ही है ना, ये कहाँ से कहाँ तक की ग्रिल का मामला पूरा है? ये तिगांव रोड से अम्बेडकर चौक से लेके और बाईपास तक का है। अच्छा, वहाँ तक का मामला इसमें। ये बताइए 5 करोड़ 80 लाख की ग्रिल बनी है जी, कौन सी धातु से बनाई गई आपके हिसाब से? देखिए ये तो कौन सी धातु से बनी है ये तो ठेकेदार बता सकता है और इसका बिल पास करवाने वाले बना सकते हैं। CM अनाउंसमेंट से ये पैसा दिया गया और जो लोग CM अनाउंसमेंट की पेमेंट करने के लिए लेटर देते हैं जो प्रतिनिधि, वो बताएंगे कि कौन सी धातु से बनी थी जो 27 लाख की जगह इसमें 5 करोड़ 80 लाख रुपए दिए गए। ऐसी ग्रिल का, और वैसे इसकी लागत कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? 27 लाख रुपए जो एस्टीमेट बनता है उसमें सारी कैलकुलेशन अधिकारी करते हैं। 27 लाख रुपए का इसका एस्टीमेट था, 27 लाख रुपए का बिल बन गया था, 27 लाख रुपए की पेमेंट होनी थी लेकिन 27 लाख रुपए के स्थान पर जो भुगतान किया गया कागजों में गड़बड़ी करके 5 करोड़ 80 लाख रुपए का किया गया। दिखाया गया आपने तो देखा कागज क्या दिखाया गया? 5 करोड़ हमने पेमेंट के कागज देखे हैं, जो ठेकेदार को पेमेंट दी गई है उसके वाउचर देखे हैं, उन पेमेंट्स की डिटेल है। किस क्वालिटी की लगाई गई है नहीं पता, RTI के माध्यम से हमने जानकारी ली है। देखिए क्वालिटी तो जो बल्लभगढ़ का जो चौकीदार है ना, जो शायद सोया हुआ है या कोई नशे में है, उसकी क्वालिटी तो वही बताएगा कि कौन सी अष्ट धातु का बना हुआ है ये। चलिए सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, आप देखिए पार्षद दीपक चौधरी, उन्होंने सीधा एक आरोप लगाया और मीडिया के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि 5 करोड़ 80 लाख की जो ग्रिल का जो घोटाला है वो जाहिर हुआ था, अभी मीडिया के माध्यम से आपने देखा भी होगा, कई लोगों पर इस मामले में अब FIR दर्ज होने वाली थी। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं।